Asalaamu As Alaikum, students. I hope you will be fine. In today's video, I'll tell you the answers of blog questions and the answers of exercise questions of unit number 10, Drug Addiction, Nashiki Adad. Students, these answers are very easy, short, and to the point. First of all, I'll tell you the answers of blog questions. Now, let's begin with the very first blog question Are the drug addicts aware of the dangers of ड्रग्स क्या मनियात के आदि अफरा मनशियात के खतरा से आगा होते हैं द आंसर ऑफ दिस ब्लॉक क्वेश्चन इज़ यस द ड्रग एडिक्ट आर अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ ड्रग्स जी हाँ मनियात के आदि अफराद मनशियात के खतरा से आगा होते हैं नाव मूव टू क्वेश्चन नंबर टू विच एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर रेस्पांसिबल फॉर ड्रग एडिक्शन कौन से अवामल मन के आदि आदत के ज़िम्मेदार हैं द आंसर ऑफ दिस ब्लॉक क्वेश्चन इज अ फ्यू इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डेट मे कॉज ड्रग एडिक्शन आर बैड पेयर इन्फ्लुंस फैमिली कन्फ्लिक्ट एंड होम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स चंद अहम अवामल जो नशे की आदत का सबब बन सकते हैं बुरे दोस्त का असर खानदानी तनाज़ा और घर के इंतजामी मसाइल हैं Now move to question number three. What treatment is available at the rehabilitation centers for drug victims? Bahali ke ke liye kya The answer of this block question is the rehabilitation centers look after the victims. Complete medical support and guidance is provided to these people in these centers. ये मराकज़ मुताद की देखभाल करते हैं इन मराकज़ में ऐसे अफराद को मुकम्मल तबी मुआनत और रहनुमाई फराहम की जाती है नाव मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर वट डू यू अंडरस्टैंड बाई द टर्म काउंसलिंग आप इस मुशावरत से क्या समझते हैं द आंसर ऑफ दिस ब्लॉक क्वेश्चन इज़ काउंसलिंग मीन्स टू गेट एडवाइस फ्राम आउंसलर एंड टू सॉल्व पर्सनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मशावरत का मतलब या नफ्सियाती मसाइल हल करने के लिए किसी मशीर से मशवरा लेना है ना स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू टेल यू देंसर्स ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर टेन वट आर द काजिज ऑफ ड्रग एडिक्स नशे की आदत के क्या असर होते हैं द आंसर ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन इज ड्रग्स आर वेरी हार्मफुल दे मेक अस मेंटली इनएक्टिव एंड फिजिकली इल इट्स कंटिन्यूस यूज काज टोटल डिपेंडेंस ऑन द ड्रग मनियात बहुत नुकसानदह होती हैं वो हमें जहनी तौर पर नकारा और जिसमानी तौर पर बीमार बना देती हैं इसके मुसलसल इस्तेमाल से इंसान नशे का मुकम्मल आदि हो जाता है नाव मूव टू क्वेश्चन नंबर टू वाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन नशे की आदत की वजूहत क्या हैं द आंसर ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन इज़ साइकोलॉजिकल ईशूज़ बायोलॉजिकल फैक्टर्स सोशल टेप्रीवेश बैड फेलोज एंड सेंस ऑफ बीग डिसकनटेंटेड में लीज अस टू ड्रग एडिक्शन नफ्सिया मामलों हयातियाती अवामल, समाजी महरूमिया बुरे दोस्त और गैर गैरमतम रहने का एहसास हमें मनशियात की लत की तरफ ले जा सकता है नामूव टू क्वेश्चन नंबर थ्री वट इम्पॉर्टेंट रोल डू द रिहेबलीटेशन सेंटर्स प्ले टू कंट्रोल ड्रग एडिक्शन बहाली के मराकज़ नशे की आदत पर काबू पाने में कितना अहम किरदार अदा करते हैं द आंसर ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन इज द रिहेबलीटेशन सेंटर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ ड्रग एडिक्ट्स दीज सेंटर्स लुक आफ्टर द विक्टम्स कम्प्लीट मेडिकल सपोर्ट एंड गाइडेंस इज़ प्रोवाइड टू दैम टू दैम इन दीज सेंटर्स मनशियात के आदि लोगों की जिंदगियों में बहाली के मराक़ अहम किरदार अदा करते हैं ये मराक़ मुतासर अफराद की देखभाल करते हैं इन मराकज़ में उनको मुकम्मल तबी मुआवनत और रहनुमाई फ्राहम की जाती है नाव मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर What is the role of counseling in preventing drug addiction? The answer of this exercise question is The good counseling by the doctors, friends, and relatives is beneficial in preventing drug addiction. It provides adequate guidance to the drug addicts to get rid of. ड्रग्स एंड गिफ्ट दैम अचानस टू टर्न ओवर अ न्यू लाइफ डॉक्टर्स दोस्तों और रिश्तेदारों की अच्छी मुशावरत नशे की आदत से बचाव के लिए बहुत फायदेमंद है ये मुशावरत नशे के आदि अफराद को मनशियात से छुटकारा पाने के लिए मुनासब रहनुमाई फ्राहम करती है और उन्हें दोबारा ज़िंदगी का आगाज करने का मौका देती है नावमूव टू क्वेश्चन नंबर फाइव वाई डू फैमिलीज फील रिलेक्टेंट टू टेक द ड्रग विक्टेबिलिटेशन सेंटर्स खानदान के अफराद नशे के शिकार आदि अफराद को बहाली के मराकज़ में ले जाने में क्यों हिचकचाहट महसूस करते हैं द आंसर ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन इज द ड्रग एडिक्ट ब्रिंग डिसक्रेज टू देयर फैमिलीज देयर फैमिलीज कंसीडर इच्सू टू शेयर देयर प्रॉब्लम विद अदर्स दे फील एम्बेस्ड टू टॉक अबाउट इट फॉर फ़ियर ऑफ बींग डेक्लेयर्ड एंड आउटकास्ट देर फॉर दे फील रिलेक्ट टू टेक दैम टू रिहेबिलिटेशन सेंटर्स नशे के आदि अफरा अपने खानदानों के लिए बेइज्जती का सबब बनते हैं उनके खानदान वाले अपने मसले के बारे में दूसरों से बातचीत करना गलत समझते हैं वो इस बारे में बात करने से शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि कहीं उन्हें आवारा करार ना दे दिया जाए इसलिए वो उन्हें बहाली सेहत के मराकज़ ले जाने में हिचकचाहट महसूस करते हैं नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सिक्स वट आर द रिस्पांसिबिलिटीज़ ऑफ द फैमिलीज़ टू इंश्योर कम्प्लीट रिकवरी ऑफ द ड्रग एडिक्ट ऐसे मरीजों की मुकम्मल सेहत याबी को यकीनी बनाने के लिए अफराद खाना की क्या जिम्मेदारियाँ हैं द आंसर ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन इज़ द फैमिलीज मस्ट टेक द ड्रग विक्टम्स टू ड्रग सेंटर्स दे मस्ट क्रिटिकली वॉच दैम एंड प्रोवाइड प्रॉपर काउंसलिंग टू दैम फॉर देयर बेटर मोटिवेशन एंड एडजस्टमेंट खानदान वालों को नशे से मुताद की बहाल को बहाली सेहत के मराकज़ पर ले जाना चाहिए उन्हें उन मुता अफराद की कड़ी निगरानी करनी चाहिए और उनकी बेहतर तरगीब और मुशरे के साथ हम आहंगी पैदा करने के लिए उनको मुनासब मुशावरत मुहैया करनी चाहिए ना स्टूडेंट्स आई होप द एंसर्स ऑफ ब्लॉक कोश्चन्स एंड द एंसर्स ऑफ़ एक्सरसाइज कोश्चन्स ऑफ यूनट नंबर टेन drug addiction is cleared and if there is any confusion in your mind then you can ask in comment section and if you like my video then share it with your friends and also subscribe my youtube channel malik science academy and press the bell icon for notifications we will meet in next video till then allah hafiz